बिजली वालों ने बिजली गिरा दी। वजारत पानी बिजली में रिकॉर्ड तोड़ बदउनवानी। कौमी खजाने को 1320 अरब रुपए का टीका। 8 वर्षों में पावर सेक्टर में कानून के खिलाफ वर्जी से 170 अरब रुपए का नुकसान। 94 करोड़ रुपए फ्रॉड, चोरी और घपलों की नजर। 259 अरब रुपए कहां गए? रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट नाइनटी न्यूज पर। मुस्लिम लीग हुकूमत के 4 साल, अवाम हो जाएं तैयार। किस पर लगेगा टैक्स, किसे मिलेगा रिलीफ, कितनी बढ़ेंगी तनख्वाहें, किन मंसूबों में होगी कटौती, दावे वादे उम्मीदें काम होंगे सब बयान। नवाज हुकूमत का आखिरी बजट कल आ रहा है। वजीर खजाना इक्तसादी सर्वे आज जारी करेंगे। तरक्की के दावों का बुरा हाल, 2016-17 में कोई हदफ हासिल न हो सका। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। दिल्ली दिल वालों की नहीं रही। दिल्ली की उस्मा ताहिर का दिल तोड़ने के बाद वाहगा के रास्ते दिल्ली लौट गईं। भारतीय खातून यकुमई को पाकिस्तान आई। डॉक्टर उस्मा ने बोनेर के रिहायशी नौजवान ताहिर अली से शादी की, जिसे बाद में जबरदस्ती करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस्मा अहमद को वापस भारत जाने की इजाजत दी। पाकिस्तान में 6ठी मर्दम शुमारी मुकम्मल। गैर सरकारी और गैर हतमी अंदाजों के मुताबिक मुल्क की आबादी 21 से 22 करोड़ हो गई। मर्दम शुमारी 9 बरस के इल्तवा के बाद की गई। 2 मरहलों में मुकम्मल की गई मर्दम शुमारी का आगाज 15 मार्च को हुआ था। मर्दान यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर खुल गई, तदरीसी सरगर्मियां जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, आज पुलिस अहलकार तैनात। हॉस्टल से असलहा और मुनशियात बरामद होने पर 2 तलबा गिरफ्तार। तालिब इल्म मशाल खान के कत्ल के बाद यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस बंद कर दिए गए थे। जेआईसी रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए डॉन लीग्स की रिपोर्ट छुपा ली। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने उन्हें हमेशा के लिए नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी का हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। रिकैन को नोटिस जारी, फैसले के खिलाफ तमाम अपीलें समाअत के लिए मंजूर। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ DHA कराची के शहरी सरापा एहतजाज। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के बाहर मुजाहरा, खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद। मुल्तान में इंसदादे जाएंगे मुलाजमीन को, 8 माह से तनख्वाह ना मिली। घरों के चूल्हे ठंडे होने लगे। पारा हाई, रोड ब्लॉक करके एहतजाज। रास्ता रुकने पर राहगीर और मुजाहरीन के दरमियान तसादुम, एक राहगीर का सर फट गया। कोयटा में चीनी जोड़े का अगवा। DSP और 2 SHO मुअत्तल। गैर मुल्कियों को अपनी नकल हरकत से आगाह करने की हिदायत। चीनी बाशिंदों ने अगवा से कुछ देर कबल रेस्टोरेंट में खाना खाया। रेस्टोरेंट की CCTV फुटेज नाइनटी न्यूज को मिल गई। हैदराबाद कोल पावर प्लांट साहिवाल को ऑपरेशनल करने का NOC न मिला। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज पहले यूनिट का इफ्तिताह करेंगे। तामीराती कंपनी ने कोयले की आलूदगी के असरात कंट्रोल करने के लिए 30,000 पौधे लगाना थे, अब तक 10,000 पौधे भी न लगा सकी। खुसूसी रिपोर्ट रोजनामा 92 न्यूज का हिस्सा। इमरान खान कहते हैं सऊदी अरब में नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइस शर्म है। सिंध जहां 20 साल पहले था आज भी वही है। कंधकोट में जलसे से खिताब में PTI चेयरमैन ने शहबाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया।
मैनचेस्टर हमलावर सलमान आब्दी के बाप और एक भाई हाशिम आब्दी को लीबिया से गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान आब्दी का एक भाई इस्माइल आब्दी मैनचेस्टर से गिरफ्तार किया जा चुका। बरतानिया में दहशतगर्दी के साए छटे नहीं, मजीद हमलों के खतरे पर अहम मकामात पर फौज तैनात। मैनचेस्टर खुदकुश हमलावर की जैकेट के टुकड़े मिल गए। बरतानवी मीडिया ने हमलावर की जैकेट के टुकड़े बम में इस्तेमाल हुए मवाद की तस्वीर जारी कर दी। मैनचेस्टर हमलावर से मुतालिक मालूमात अफशा करने पर बरतानिया अमरीका से नाराज। बरतानवी वजीर दाखला कहते हैं कि पता चलाएंगे कि मालूमात पहले अमरीका तक कैसे पहुंची, अमरीका दोबारा ऐसा ना करे। रूसी टेनिस स्टार मरिया शरापोवा को रॉजर्स कप के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई। गोल्डन गर्ल डोपिंग में 15 माह की पाबंदी के बाद खेल में वापसी से अब तक WTA टूर्स के 3 इवेंट्स में वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल कर चुकी हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर में फसादात पर काबू ना पाया जा सका। फसादात के दौरान एक और शख्स को गोली मार दी गई। हालत तश्वीशनाक। शहर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों दलितों और मुसलमानों पर मजालिम का सिलसिला जारी। योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने फसादात का मलबा BSP के सरबरा मायावती पर डाल दिया। और दबंग खातून ने चोर की दौड़ लगवा दी। अमरीकी खातून ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी गाड़ी चोरी होने से बचा ली। मेलिसा ने गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोकी तो एक शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेलिसा छलांग लगाकर बोनट पर बैठ गई जिससे चोर भाग गया।